अगर तू मेरा नहीं हुआ ना तो तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी मैं। ए, क्या कर रही है? अच्छा अब मैं तेरे से पूछ के करूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपने आप में ज्यादा सुपीरियर बन रहा है क्या? अपने काम से ना काम रख, वरना तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना यहाँ पे, यहाँ घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा तेरा। लड़के छेड़ता है, मुझ पे नजर रखता है तू कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं? गवार नहीं का। अरे अंकिता तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई तुम जानते हो इसको? हाँ भाई जानता हूँ इसे मैं, एक्स गर्लफ्रेंड है मेरी ये। भाई तुमको पता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड क्या कर रही थी? मुझे पिछले एक हफ्ते से परेशान कर रही है, मैं आपके पास यही बताने आने वाली थी। ये छेड़ रहा था तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाई झूठ बोल रही है, मैंने तो उसको पहली बार देखा है। नहीं नहीं अभिषेक, ये एक नंबर का झूठा फरेबी इंसान है, प्लीज इसके बात का बिलीव मत करो। तेरे जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे जानता हूँ, पहले लड़की की हेल्प करते हो फिर उसके आगे हीरो बनने की कोशिश करते हो। अरे भाई तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बदतमीज ना ठीक है। अब जो तुमने हाथों में पीछे छुपा रखा है ना वो दिखा, एक काम कर अपना हाथ दिखा। ओए मुझे ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा हाथ मैं तोड़ के रख दूंगी। भाई लगता है ये ऐसे नहीं बताएगी, दिखा बता ये तो ट्रिमर क्यों लेके आई थी? अरे ये तो मैं वो शॉपिंग करके लाई हूँ। देख झूठ मत बोल, सच से बता तू क्यों लेके आई थी और क्या करना चाहती थी? क्या करना चाहती का क्या मतलब है? ट्रिमर किस लिए लाते हैं? मैं खरीद के लाई हूँ इसे। अरे मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना और वहां से लेडीज पुलिस आ गई, वो तुझसे सब पूछ लेगी कि तू ये क्यों लेके आई थी और किस काम के लिए लेके आई थी। अरे पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं पुलिस को फोन मत करो, मैं बताती हूँ ना सब कुछ। तो बता कि तू क्यों लेके आई थी और क्या करना चाहती थी? ये मैं ट्रिमर इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैंने अभिषेक के बाल काट लिए। देखा भाई तू मुझे गलत समझ रहा था और गलत किसने किया, अब सच सच बता तूने इसके बाल क्यों काटे? मैंने अभिषेक ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी फ्रेंड श्रद्धा ने बोला कि तू अपने बॉयफ्रेंड के बाल काट कर ले आ, फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि तेरा बॉयफ्रेंड जैसे जैसे तू बोलेगी वैसा वैसा करेगा। मैं उसकी बातों में आ गई और इसीलिए ही बाल काट लिए। अच्छा तो इस तरीके से तू उसको पाने की कोशिश कर रही थी? अरे तू उससे प्यार करती है, कोई ढंग का तरीका तो अपनाती। मुझे नहीं लगता कि आप सामने वाले को इस तरीके से रख सकते हो। भाई इसका मतलब मैं इसके वश में हो जाता, जो ये बोलती वो मुझे करना पड़ता। ये लड़की तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती। अंकिता क्या ये सब यार, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। यार कितना विश्वास करता था तुम पे, तुम्हें पता है कितना प्यार किया था मैंने तुमसे। मानता हूँ कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस तरीके से मुझे पाने की कोशिश करोगी। तुम ना आज मेरी नज़रों में बिल्कुल गिर चुकी हो। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं तुमसे बात करूं और दोबारा तुम्हारे पास लौट के आ जाऊं, पर ये सब देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे ना दूर ही रहना चाहिए। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं, अब तो मुझे ना तुमसे डर लगने लगा है कि पता नहीं तुम और क्या कर दोगी मेरे साथ। तो देखा भाई इस चीज़ से ना सीख ले लेनी चाहिए कि इसने तुम्हारे बाल भी काट लिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसलिए कहते हैं अपने आसपास ना नज़र रखनी चाहिए। भाई जो तुम्हें पाने के लिए इस हद तक गिर सकती है ना, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर है। तुम ऐसे गलत करके बॉयफ्रेंड तो पा सकते हो लेकिन उसका प्यार नहीं।